हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो ब्लॉग है वो अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है और मैं बना रही हूँ खाना, मतलब पकवान बोल सकते हैं। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं खीर से। दूध बॉईल हो गया था तो उसमें मैंने चावल भिगो के रखे थे वो डाल दिए हैं। तो एक तरफ चावल बन रहे हैं, यहाँ पे मैं आलू कट कर रही हूँ। आलू मैं क्यों कट कर रही हूँ, मैं बनाऊँगी मेथी आलू की सब्जी, उसके लिए मैं आलू कट कर रही हूँ। मैं कसूरी मेथी से ही मेथी आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। अगर आपके घर में कसूरी मेथी है तो आप उससे ही सब्ज़ी यमी सी बना सकते हैं मेथी आलू, क्योंकि सिंपल आलू उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे मैं आलू को कट कर रही हूँ, क्यूब्स में कट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई जो है वो चढ़ा दी है मेथी आलू बनाने के लिए। थोड़ा मतलब होता है ना कि कुछ स्पेशल बनाओ तो अच्छे से बनना चाहिए, स्वाद वगैरह ये वो बहुत ध्यान रखकर बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने हींग, जीरा, हल्दी, धनिया, मिर्ची ये सब डाल दिए, कसूरी मेथी डाल दी है और इसको मैं अभी आलू डाल रही हूँ। ये बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी, पता है पूड़ी वगैरह हो तो उनसे ये बहुत टेस्टी लगती है। और मैंने नमक ऐड कर दिया है। और यहाँ पे देखो हमारे ये टुक्कू राम हैं, ये आए हैं कुछ चीज़ मतलब अपहेड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने अगेन मस्टर्ड ऑयल दे दिया है। और यहाँ पर देखिए मैंने जो टमाटर और अदरक है उसको कद्दूकस करके रखा है। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, तेज़पत्ता, दालचीनी, चकली फूल और जावित्री और क्या कहते हैं हरी इलायची, जीरा, हींग ये भी मैंने साथ में ही डाल दिया था। और थोड़ी देर अदरक को मतलब पहले डाल दिया था तो अच्छा स्वाद आता है। अब मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर को मैंने ना ग्राइंड नहीं किया है, मैंने कद्दूकस किया है, क्योंकि मेरा जो मिक्सी का जार है वो थोड़ा ख़राब हो रखा है इस वजह से। तो यहाँ पे मेरी खीर भी बन रही है, वो मैं साथ साथ बनाती जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है ताकि जल्दी से टमाटर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे टमाटर हो चुके हैं, मैंने धनिया, मिर्च, हल्दी ये तीन मसाले ऐड किए हैं। मतलब मैं बहुत बेसिक मसालों से ही बनाती हूँ, और कसूरी मेथी और मैं मतलब मटर पनीर मसाला या ये मसाला उतने मसाले मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ पे मैंने मलाई ऐड कर दी है, ये एक दिन की मलाई है 1 लीटर दूध की, तो ज़्यादा मैंने मतलब नहीं की है। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है सब फ्रोज़न मटर। और यहाँ पे मैं ना ये कचौरी का मसाला बना रही थी तो यहाँ पे मैंने ना उड़द की दाल को पीस लिया है छिलके वाली, और उसमें मैंने हल्दी, धनिया, मिर्च और क्या कहते हैं सौंफ, थोड़ा मतलब मसाले ज़्यादा ही पड़ते हैं, नमक, हींग ये डाला है। और इस और यहाँ पे मैं खीर में डाल रही हूँ ये चिरौंजी डाल रही हूँ। और क्या कहते हैं यहाँ पे देखो मटर डालने के बाद मैंने 2 सीटी इसमें ले ली थी। अब मैं यहाँ पे पनीर को ऐड कर दूँगी। पनीर पता नहीं क्या इस बार ना मतलब जमा हुआ पनीर आया था, और खीर भी बन चुकी है तो मैंने खीर में भी क्या कहते हैं जो जैगरी पाउडर होता है वो ऐड कर दिया है, गैस बंद करने के बाद ही किया है ऑफ़ कोर्स, वरना खीर फट जाएगी। तो देखिए खीर कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत अच्छी बनी थी। और यहाँ पे मेरी जो मेथी आलू की सब्ज़ी है वो भी धीमे धीमे पक रही है, मैं आलू कट करके देख रही थी कट। हेलो फ्रेंड्स, चैनल कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से। एक्चुअली मैं ब्लॉग तो स्टार्ट हो गया था काफ़ी देर से, लेकिन मैं आप सभी से बात नहीं कर पाई थी क्योंकि खाना बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी थी। और मेरी प्रिपरेशन जो है वो सारी हो चुकी है, बस थोड़ा बहुत बाकी है, तो वो भी मैं जस्ट अभी कर लूँगी। तो
बात बीच में ही कट गई और मैं फिर से दोबारा बात ही नहीं कर पाई। सो यहाँ पे मैं बनाने लग गई हूँ पूरी कचौरी की लोइयाँ, और दाल को जो मैंने थोड़ा सा टाइट हो गई थी तो मैंने उसको सॉफ्ट भी किया था, तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ कचौरी का मसाला, मतलब कचौरी भर रही हूँ। तो बहुत थोड़ी थोड़ी लगानी रहती है, और ये कचौरी ना मेरी फेवरेट है। कुछ चीज़ें हैं जो ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब जैसे ये कचौरी हो तो बासी होती है ना, जैसे आज बनाई है तो कल खाओ या सुबह बनाई है तो शाम में खाओ तो वो बहुत टेस्टी लगती है। चाय के साथ आप खा के देखना, इतना यम्मी लगती है ना, मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो वही प्रिपरेशन कर रही हूँ। और एक चीज़ और मैं आप सभी से बोलना चाह रही थी, जैसे बड़ों का आशीर्वाद होना आपके ऊपर कितना ज़रूरी होता है ना, ये ना तीज त्यौहार और जो भी क्या कहते हैं ये रहते हैं ना कुछ स्पेशल दिन, इन दिनों आपको फ़ील होता है, मुझे भी ये चीज़ बहुत फ़ील होती है। काश हमारे सर पर भी बड़ों का हाथ होता, हमको भी कोई बताने वाला होता बिना पूछे बिना करे कि नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो। तो वो चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, और ये एक सास ही क्या कहते हैं इस चीज़ को मतलब कर सकती है, क्योंकि मैंने देखा है जो जिन लोगों की सास है ना वो लोग क्या कहते हैं मतलब हर चीज़ को बताना, त्यौहार से पहले बताना कि बेटा ये फेस्टिवल आ रहा है इस पे ऐसे ऐसे करना है। और अगर आपकी सास नहीं होती है ना तो आपको यहाँ वहाँ पूछना पड़ता है, फिर क्या कहते हैं बातें बनती हैं कि तुम्हें अभी तक नहीं आया, तुम्हें इतने साल हो गए, तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, तुमने ये गलत किया है, मतलब समझाने की बजाय ताने ज़्यादा मिलते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। सो खैर क्या करें, किस्मत में जो होगा वही मतलब मिलता है ना, किसी किसी को नहीं होता ये सब नसीब सब कुछ अच्छा। सो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं अपनी पूरी कचौड़ी जो है वो भी निकाल रही हूँ, और मैंने आपको शायद अभी तक बताया नहीं क्या है आज। आज है मेरे सासू माँ का श्राद्ध, वैसे तो आप टाइटल देख के ही समझ गए होंगे मेरी सासू माँ का श्राद्ध है, और मैं मतलब बहुत मिस करती हूँ मेरी जो सासू माँ है उनको। यहाँ पे मैंने रायता बनाया है खीरे का, खीरा कद्दूकस करके डाला है, धनिया डाला है और नमक काली में नमक और जीरा पाउडर डाला है, और यहाँ पे मटर पनीर की सब्ज़ी भी बन गई थी, देखिए कितनी यम्मी लग रही है ना। और तो मैंने उसमें भी धनिया ऐड कर दिया है, और यहाँ पे देखिए हमारी मेथी आलू की सब्ज़ी बन गई है, यहाँ पे हमारा रायता बन गया है, ये सलाद बन गया है, और ये खीर बन गई है, पूरी कचौरी बन गई है। तो बस हमारा खाना रेडी है, मैंने यहाँ पे थाली लगा दी है भोग की, ये भोग की थाली है, आप लोग भी इसमें से ग्रहण करें प्रसाद को। कैसा बनाएं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेलो एवरीबॉडी, आज मैंने अपनी मम्मा को बिल्कुल परेशान नहीं किया है ना छोटा, बता दो सबको आज मैंने बिल्कुल परेशान नहीं किया। आज मम्मा को बहुत सारा काम था ना, इसलिए मैं राजा बेटा बन के छो गया था मैं तो, मम्मा काम कर ली थी है, बता दो सबको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, कैसे हो आप सभी लोग। मैं वेलकम तो आप सभी का कर चुकी हूँ, बट मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाई आप सभी से आज। आप लोग भी सोच रहे होंगे मैंने इतना सारा खाना बनाया वो दिखाया, क्या क्या बनाया वो भी दिखाया, पर क्यों बनाया, टाइटल देख के आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और आज था मेरी जो सासू माँ है उनका श्राद्ध था आज, तो वही क्या कहते हैं सासू माँ के लिए ही इतना सब कुछ बनाया था मैंने। उनका मतलब कहते हैं ना कि मतलब हमारे यहाँ पे कहते हैं ब्राह्मण जमाया जाता है, अगर मतलब कोई ऐसे चले जाते हैं तो
आज मेरी सासू माँ के लिए किया था हमने, लेकिन क्या होता है ना यहाँ पे घर पर आकर तो कोई जीमता नहीं है, तो हम लोग मंदिर में दे आते हैं। तो मंदिर में जब लेकर गए थे, ये करते हैं हर साल थे, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार बोले कि आप जो भी खाना देकर जाया करो, मतलब उसका, तो आप कच्चा अनाज दे जाया करो हमको, हम ऐसे किसी के यहाँ का बना हुआ खाना नहीं खाते हैं। वो एक्चुअल में मंदिर बहुत बड़ा है, तो हमको ये चीज़ नहीं पता थी, मतलब इतना ध्यान ही नहीं देते ना। हमारे यहाँ क्या होता है, हम पंडित जी को इनवाइट कराते हैं, या जो भी मतलब जैसे मेरी मदर इन लॉ का था, तो हम किसी पंडितानी जी को इनवाइट कराते हैं, फिर वो आकर घर पे अच्छे से जिम कर, तो आगे जो भी मतलब पढ़ेंगे उन पर हम बाहर जाकर उनके नाम से जो भी कच्चा अनाज होगा वो देकर आएंगे, बनाकर नहीं देकर आएंगे। क्योंकि अगर जिसको हम देने जा रहे हैं वही अगर खुशी से राजी खुशी ना खाए, वही अगर खुश ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा ना। सो वही है, और इतना जो भी कुछ बनाया था, एक्चुअल में मुझे नहीं पता है मेरी मदर इन लॉ को मतलब क्या पसंद था, इन लोगों से भी पूछते हैं तो मतलब मम्मी जो मतलब मेरी मदर इन लॉ थी वो बिल्कुल साधारण, मतलब कहते हैं ना जिनके कोई शौक मौज नहीं होते हैं, बिल्कुल एकदम साधारण सी जो होती हैं, बिल्कुल उस टाइप की थी। वो सब कुछ खाती थी, सब कुछ मतलब रहता है ना, मेरी मम्मी का भी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बस सिंपल सा खाना उनको पसंद आता था घर का। मेरी मम्मी के टाइम में हम लोग अब जैसे चले जाते हैं ना बाहर कुछ खाने, या फिर बाहर खाना खाने, वो सब हम मम्मी के टाइम में हमने कभी नहीं किया। मम्मी हमेशा घर पर ही बनाना पसंद करती थी। बाहर से खाने का मतलब होता था हमारे यहाँ कभी कभार समोसा आ गया, कभी कभार मतलब वो आ गया जैसे पानी पूरी ले आए पापा, या भेल पूरी आ गई, इस टाइप का मतलब चीज़ें अगर आती थी तो आ जाती थी बाहर से। अदरवाइज़ हमारी मम्मी सब कुछ घर पर बनाना पसंद करती थी। तो आज की डेट में हम लोग तो कितने आसानी से ना बाहर निकल जाते हैं, आज मूड नहीं हो रहा आज बाहर खाते हैं, आज ये हो गया है आज बाहर खाते हैं, तो वो चीज़ें बहुत मतलब मैं मिस करती हूँ अपने टाइम की। इनको मैं पूछती भी हूँ क्या है मम्मी की मेमोरीज वगैरह, तो मतलब इनको इतना याद ही नहीं है क्योंकि बहुत छोटे छोटे थे ये लोग जब मम्मी गुजर गई थी। तो अभी मैं आपको अपनी मदर इन लॉ की फ़ोटो भी दिखाऊंगी। एक्चुअल में क्या है ना, मतलब पहले के ज़माने में उतनी ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह तो होती नहीं थी, तो मम्मी का जो शादी का फ़ोटो है वही क्या कहते हैं हमने मड़वा रखा है, आगे बनवाएंगे एक फ़ोटो, हम मैंने निकाल के रखा हुआ है कि ये फ़ोटो हम लोग बनवा सकते हैं, तो वो मैं बनवाऊँगी बहुत जल्दी, नवरात्रों में बनवाऊँगी इस बार। और क्या कहते हैं मम्मी का शादी का एल्बम भी मेरे पास है, अगर आप लोग अभी मतलब मैंने निकाला तो मैं दिखाऊंगी। ये उनकी दो दो एल्बम बनी थी, एक ब्लैक एंड वाइट एक कलर्ड, और मेरी जो मम्मी का शादी का एल्बम है तो मेरी मम्मी का क्या कहते हैं ब्लैक एंड वाइट में है, तो वो भी अगर मैं गई तो मैं दिखाऊंगी। सो यही सब था, और मतलब आज के दिन क्या कहते हैं बहुत मतलब खलता है ना, काश अगर सास होती तो हर चीज़ को वो मुझे बताती है। अब क्या होता है ना, अगर आपकी सास नहीं होती है तो आपको चीज़ों को 10 जगह पूछना पड़ता है कि क्या होता है कैसे होता है। अब मुझे इतने रिचुअल्स नहीं पता हैं, और क्या होता है ना अगर आपकी सास होती है तो आप 10 बार भी उनसे पूछोगे तो वो मतलब एक दो बार डांटेंगी लेकिन वो बताएंगी, लेकिन अगर आप कहीं और पूछते हो तो थोड़ा कहते हैं तुम्हें इतने साल हो गए करते करते, तुम्हें अभी तक नहीं आया, तुम्हें ये है तुम्हें वो है, तो उन सब चीज़ों से मैं बहुत बचना चाहती हूँ। मैं करती क्या हूँ, मतलब जो भी मुझे मतलब याद रहता है वो मैं कर लेती हूँ और भूल चुकी माफ़ी मांग लेती हूँ। आप कोई भी काम करते होते हो, चाहे वो भगवान का भोग हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी पूजा हो या कुछ भी हो, कितनी बड़ी बड़ी पूजा होती है, करवा चौथ हो गई, तीज हो गई, इन सब पे बहुत बड़े बड़े पूजा होती है, मतलब एक छोटी गलती भी बहुत बड़ी मतलब मन में अगर आपको पता चल जाए आपसे ये गलती हुई है तो मन में बहुत खटक जाती है कि हमसे ऐसा कैसे हो गया। तो मैं सबसे अच्छा करती हूँ जो मुझे याद रहता है उस हिसाब से किया और भूल चूक की माफ़ी मांग लेती हूँ, सबसे अच्छा होता है। हमेशा हमें पूजा करने के बाद भूल चूक की माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए, तो इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ और बहुत मिस करती हूँ यार। कई लोग कहते हैं कि सास ऐसी होती सास वैसी होती है, यार मेरा भी मन था कि सास हो, तो वो क्या कहते हैं मतलब रहता है ना एक वो जो डांट होती है, मैंने मेरी मम्मी का और मेरी दादी का जो कनेक्शन देखा था ना, तो वो सास बहू की जो छवि है मेरे मन में बहुत अच्छी वाली है। तो
वही सब चीज़ें ना मिस करती हूँ। और साथ से आप मेरी मम्मी हमेशा, अम्मा को कुछ भी फेस्टिवल आता था तो अम्मा के पास जाती थी कि मम्मी अब ये कैसे कैसे होगा, क्या होगा, तो वो सब कुछ एक्सप्लेन करती थी, बहुत अच्छा लगता था। वही रिश्ता मैं मिस करती हूँ और क्या मैं बोलूँ ज़्यादा, तो बस वही है, सासू माँ का जो श्राद्ध था वो किया और काश वो होती तो वो ये सब करती, जो भी जिनके भी बड़े बुजुर्गों के श्राद्ध होते हैं या जो भी पूजा पाठ होते हैं सब कुछ वो करती। बहुत अच्छा रिश्ता होता है यार। मैं मतलब मैं मेरी जितने भी और सास बहुएँ हैं वो सब देखती हूँ ना, अगर कोई फेस्टिवल होता है ना तो वो बोलती है कि मम्मी का फ़ोन आ जाता है कि ये फेस्टिवल है, कल ये करना है, कल ये करना है, वो करना है, तो वो सब चीज़ें ना मैं दूसरों की सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत लगता है कि यार मेरे को भी कोई इतने हद से फ़ोन करता, मेरे को भी कोई हद से ऐसे बोलता। और कहते हैं ना सास क्या कहते हैं, हर चीज़ का डांटती है, वो सबको दिखता है, मतलब और प्यार जो होता है वो किसी को नहीं दिखता, तो मैं वो प्यार को बहुत मिस करती हूँ। कभी मुझे मेरी सास के साथ रहने नहीं मिला। पता नहीं मैं अपने दिल की बात आप सभी से अच्छे से मतलब एक्सप्रेस कर पाई हूँ, आप लोग मेरी जो पॉइंट हैं उनको आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि और भी सास बहू हैं, मतलब मेरी मामी सास हैं, उनकी बहू हैं, तो मतलब हर चीज़ को उसको बोलना कि बेटा ऐसा किया, बेटा वैसा किया, तो वो सब चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं यार, बहुत प्यारा। मैं अपनी जब मामी सास से अगर मैं मिलवा पाई तो ज़रूर मिलवाऊंगी, वो इतनी स्वीट है ना, इतनी स्वीट है, मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप ये कहोगे कि ऐसी सास भी होती है क्या, इतनी स्वीट है वो, तो मुझे भी इतना मतलब प्यार करती थी। सो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ये व्लॉग बहुत लंबा हो गया आई थिंक, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरी मदर इन लॉ है ना, मतलब जो जिनका हमने किया है श्राद्ध, वो भी बहुत टैलेंटेड थी, बहुत अच्छी थी, बहुत स्वीट थी, शायद इसीलिए भगवान जी ने उन्हें इतनी जल्दी बुला लिया। अच्छे लोगों को भगवान बहुत जल्दी बुला लेते हैं ना। इसी नोट के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शे बाय शोना शोना, बाय 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 टू एवरीबॉडी, ओले 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 ओले, ये का कर ले, शे बाय, अरे नहीं अरे नहीं अरे नंगू पुंगू हो तो, नंगू पुंगू है तो चलिए बाय।